आप लोगों को पता होगा कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे एक भूचाल टाइप सा आया था। वो भूचाल क्या था कि एक यूट्यूबर थी मालती चौहान, और उसका जो है संदिग्ध हालत में उसके घर में जो है एक पंखे से लटकते हुए उसका शव मिला था, और उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट था। और जैसे ही ये पता चला कि सोशल मीडिया पे कि मालती चौहान जो एक यूट्यूबर है उसकी डेथ हो गई है, आप मानेंगे नहीं, सोशल मीडिया पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब जितना भी सोशल साइट होता है सभी जगह भूचाल आ गया था। जब भी खोलो, कुछ भी स्क्रॉल करो तो मालती चौहान ये, मालती चौहान वो, मालती चौहान। मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात में बारिश होता है, धूप होती है, मतलब ठंड पड़ता है, कोई भी समय हो, अगर कहीं कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलता है जो समाज के हित में हो, लोगों को जानना चाहिए, ऐसे वीडियो हम बना करके अपलोड करते हैं। पर ऐसे वीडियो को देखने वाले सोशल मीडिया पे है ही नहीं, जीरो के बराबर हैं। और ये लोग जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब जो भी सोशल साइट होता है जहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है, वहाँ पे इनके कंटेंट को इतना बढ़िया तरीके से लिया जाता है, इतना ज्यादा देखा जाता है कि पूछिए ही मत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मालती चौहान। आप लोग इसका शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, इसमें आप लोग देख सकते होंगे कि ये किस तरह से समाज के लोगों को, लड़कियां जो वीडियो चलाते हैं, जो बच्चे चलाते हैं, जो औरतें देख रही हैं, उन लोगों के दिमाग पे ये लोग कैसा असर डाल रहे हैं इस टाइप से वीडियो बना करके, और हमारे समाज के लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, यहाँ से वहाँ शेयर करते हैं, और ख़ास करके जो महिलाएं होती हैं घर में, फेसबुक, यूट्यूब या फिर जो भी सोशल साइट से जुड़ी होती हैं, देखती हैं लोग, तो वो लोग ज़्यादा, अरे मालती चौहान ये है, मालती ये किया गया, मालती चौहान ये कमाली, मालती चौहान ये बन गई, हद है यार। और उससे पहले आपको पता होगा जब टिकटॉक का समय था, खैर टिकटॉक बंद हो गया, तो मुझे लगता है भारत में लगभग 95% ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा पीढ़ी है जो अभी बच गए हैं। नहीं तो टिकटॉक पे स्टार्टिंग में जब चला था तो टिकटॉक पे ये गोरखपुरिया भौजी, आप लोग नाम सुने होंगे, गोरखपुरिया भौजी जो है ऐसे ऐसे कंटेंट बना के डालती थी, ऐसे ऐसे लैंग्वेज का यूज करती थी, ऐसे ऐसे भाषाओं को बोलती थी कि शर्म आ जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ये देखने में और सुनने में शर्म आ जाता था कि हाँ इस चीज़ को लोग देख रहे हैं। आप लोग सोच लीजिए, और ऐसे कंटेंट को लोग को मजे से देख रहे हैं, अरे गोरखपुरिया भौजी है, ऐसे गाली दे रही है, ऐसे गाली दे रही है, ये कह रही है, वो कह रही है, हद है यार। शर्म करो, भगवान से डरो। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, बढ़िया मोटिवेशनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, इन लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं और ना ही इनसे कुछ सीखना चाहते हैं, और बाद में कहते हैं अरे यार मैं तो यहाँ फेल हो गया, अरे यार ये कब घटना हुआ मुझे तो पता ही नहीं, उफ़ो ये तो मुझे आज मालूम चला है। तो भैया जब नाच गाना देखोगे, नचनिया के बीच में रहोगे, ड्रामेबाजे वाला वीडियो देखोगे, तो कहाँ से सीखने को मिलेगा? जो सीखने वाली चीज़ है उसे तो स्क्रॉल कर देते हो। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। तो इन सब चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं, वीडियो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर भी सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनकी वीडियो खूब चाव से देखी जाती है, खूब मजे से देखी जाती है, वो क्या पहनी है, क्या खाई है, क्या नहाई है, कैसे गई है, क्या कर रही है, और क्या, मतलब हद है यार, अब आगे मैं क्या बोलूँ। सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को खूब ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, और जो लोग सोशल मीडिया पे लोगों को समझाने का, सिखाने का काम करते हैं, उन्हें कोई देखता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आए जो सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर के आए, जब लोग देखना ही बंद कर दिए, वो लोग वीडियो बनाना ही छोड़ दिए। और एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आता है कि YouTube का जो एल्गोरिज्म है वो कहता क्या है। आप ही आपको बता दें, मैं एक वीडियो बना के डाला था, उस पर सीधे एलो डाला रह गया, जबकि उसमें कुछ ऐसा मैंने बोला ही नहीं था, कुछ ऐसा किया ही नहीं था, इन्फॉर्मेशनल वीडियो था और सूचना था भाई, न्यूज़ था, तो न्यूज़ में तो ये सारी चीज़ें तो दिखानी ही दिखानी है, क्योंकि भाई अगर ऐसे वीडियो हम बनाएंगे और उस पर पूरा डिटेल नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। समस्या इस बात का नहीं है कि लोग जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं उन्हें सीखते नहीं हैं, समस्या इस बात का है कि जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, जो सोशल मीडिया पे गंदगी, गंध फैलाने का काम करती हैं, उन्हें लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं और बहुत जल्दी उससे सीखते हैं। और सबसे बड़ा समस्या तो तब खड़ा होता है जब हमारे न्यूज वाले भैया लोग पहुँच जाते हैं माइक लेकर के, आपने क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गई थी, कब सोना है, कब उठना है, हद है यार,
खैर, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज और उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप ऐसे कंटेंट देखिए, आप ऐसे चीज़ों को देखिए, ऐसे चीज़ों को समझिए, पढ़िए, जिससे भविष्य में आपका लाभ हो सके। ऐसे चीज़ों को मत देखिए या ऐसे चीज़ों को शेयर मत करिए जिससे भविष्य आपका ख़राब हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो भैया आपको कोई समझा नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, Twitter पे जो चीज़ें देख रहे हैं वास्तव में उनमें 95% ऐसे हैं जो आपके लाइफ को ख़राब कर रही हैं। सिर्फ 5% ऐसे कंटेंट हैं जो आपकी लाइफ को बना सकते हैं, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसे आप देखते नहीं हैं। खैर, आपकी मर्जी है, आपका फ़ोन है, आपका रिचार्ज है, आपका YouTube है, आपका सोशल मीडिया है, जो मन करे वो करिए। जय हिंद, जय भारत।